हम डाल रहे हैं पापड़ी, पापड़ी तो मैं लेना ही भूल गई, पूरा व्लॉग बन गया, मुझे याद आया एंड में कह रहे हमने पापड़ी तो ली नहीं, जब अभी हम खाने लग गए। तो ये देखें पापड़ी के बगैर तो इसका मजा ही कुछ आता नहीं है छोलों का, तो यहाँ हमने जो है पापड़ी भी ऐड कर दी है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं छोले बल्कि सॉरी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सबके अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे, अच्छे जा रहे होंगे। तो यहाँ छोले अब मैंने भिगोने के बाद उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं जी, छोले वगैरह सब चढ़ा दिए हैं। तो उसके बाद यही होता है कि क्या कहते हैं, आपको घर की सफाई सुथराई भी करनी होती है। हालांकि मैं फजर के बाद जो है ना डाइनिंग टेबल पर भी एक हाथ मार के सोती हूँ, लेकिन फिर सुबह उठते हैं तो मिट्टी जमा हो जाती है। तो बस ये कि मैं इसको एक हाथ मार रही हूँ, और अभी जाहिर सी बात है कपड़े भी वॉश होने हैं, झाड़ू भी देनी है। तो मैं सब चीज़ों की मैंने कहा पहले डस्टिंग करके झाड़ू दे दूँ और जो है पोछा लग जाए, तो फिर जो है ना आगे का थोड़ा काम किया जाए। फिर ये होता है कि आप असर के टाइम दोबारा असर से पहले असर की नमाज़ पढ़ के किचन की तरफ आते हैं। तो अभी ये है कि मैं अपना ब्रश उठाने जा रही हूँ, और ये मेरा जो है टॉम वाला ब्रश है जिससे वो सफाई करता है, और मैं इससे सफाई करती हूँ। कंटिन्यू करते हैं लोग। अभी इतने अंधेरे में है क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर, ये कपड़े धुल चुके हैं और इन्हें मैं डालती हूँ लेकिन के बाहर तार पर, बाहर डालेंगे। बालकनी में इतनी जगह नहीं है तो बाहर चलती हूँ, मैंने डाल कर आती हूँ। फिर जो किचन काउंटर होता है इफ्तारी से पहले, ये इस तरह से बिजी चल रहा होता है क्योंकि सब चीज़ें कुछ फ्रिज से निकल रही होती हैं, कुछ जा रही होती हैं फ्रिज में। ये यहाँ मैंने स्लाइस टोस्ट करके रख दिए हैं, शामी कबाब हैं जो कबाब बनाएंगे हम, छोलों की असम्बलिंग और कबाबों की असम्बलिंग अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये हैं जी हालात, वहाँ सिर्फ मेरा दुपट्टा पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है खून पड़े में, बाकी मेरी कोशिश है कि सिमटा रहे इफ्तार से पहले। वहाँ करने लगे छोलों की असम्बलिंग, हमने एक डिश ले ली बड़ी प्यारी सी ताकि सबको जो है डाइनिंग टेबल पर अच्छी सी चीज़ देख के भूख और खुल जाए इफ्तारी में, बस उसको अभी इतना ही रखो। अभी छोलों की लेयर मैंने डाल दी, अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर हमने ली हुई है खट्टी इमली की चटनी। अच्छा, और हम इसको जो है ना, इसमें मैंने डाला हुआ है नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा भुनावा कुटावा और धनिया, तो इसकी एक हल्की सी लेयर हम डाल देंगे, ज़्यादा खट्टा भी नहीं पसंद आता और ज़्यादा अच्छा। ये हरी चटनी है मेरी, ये हम डाल देंगे, होममेड है दोनों चीज़ें। और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे ये थोड़ा सा मेरे पास जो है फटा हुआ मीठा दही है, ओहो ये हो जाएगा चलें। और अब मैं डाल दूँगी मीठी चटनी की जो है ना, इमली मीठी की चटनी जो है उसकी जो है मैं बिल्कुल फाइनल ऊपर से एक लेयर डालूंगी, तो ये ऐसे एक बार और डाल लेंगे। अच्छा जी, जहाँ तक अभी मैंने कहा चलो मैं एक छोटा सा इफ्तारी का व्लॉग तो ले आऊँ, तो इफ्तारी के बीच में जो भी है जोहर के बाद जो है जोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन अपनी प्रेयर्स वगैरह दिखाना मुझे बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए वो चीज़ है मैं आपके साथ यहाँ कभी भी शेयर नहीं कर सकती और ना करूँगी। हम जो भी प्रेयर्स करते हैं वो अपने गॉड के लिए करते हैं, और इस तरह ना मुझे ये शो करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ये है कि हम क्या करते हैं जोहर के बाद, जोहर की नमाज़ के बाद अपनी प्रेयर्स के बाद किचन में आ जाते हैं, थोड़ी सी किचन की तैयारी करते हैं, घर को देखती हूँ, अपने काम को देखती हूँ जो मेरा रेस्टोरेंट चल रहा होता है, उसके बाद जो है ये मैं रुक गई थी। और इसमें हम डालेंगे फिर से मीठा दही। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैं दोबारा से किचन में असर की नमाज़ के बाद अपनी जो भी होती है उसके बाद आ जाती हूँ, ताकि जो फाइनल चीज़ें हैं ना। अच्छा, मेरी देखें आप इफ्तारी आज बड़ी और ज़्यादातर ऐसी ही सिंपल होती है, लेकिन ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, हम बाज़ लोगों के यहाँ नहीं, सबके यहाँ आपको पता है ज़्यादातर फ्राइंग का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले हमारे यहाँ भी होता था, हम भी जो है बहुत चीज़ें तल तल कर खाते थे, लेकिन क्या है इतना तलन जो है ना अच्छी नहीं होती जब, तो इस वजह से जो है फिर वो ख़त्म की तलन वगैरह। तो बहुत सिंपल सी हमारी इफ्तारी होती है ज़्यादातर, अभी कोटी भी मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च है। और उसके बाद हमने जो है ना अपनी चीज़ों को किया सिंपल, सिंपल में ये कि आप खाएं अच्छी चीज़ें लेकिन जो है मज़ेदार बहुत हो, आपको मज़ा आए खा के। यहाँ हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला भी, और अब जो है मैं डालती हूँ यहाँ पर अपना फाइनली ये मैंने जो आलू कट करके रखे हैं, तो अब मैं डाल रही हूँ जी छोलों में ऊपर से ये आलू, और आलूओं में कलर मैंने थोड़ा सा डाला है, कलर डालने, फूड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ज़िंदगी में रंग भरें अपनी ज़िंदगी को जो है बिल्कुल फीका ना रखें। ये हो गया, अब डालते हैं हम ऊपर से सैलेड, बस उसको, तो बस सैलेड में हम डाल देंगे बड़ी अच्छी सी कटी हुई प्याज, और जो है ज़रा ज़्यादा लच्छा हो इतनी, हाँ हुई है मेरी भी लच्छा, वैसी बात भी नहीं है,
और पुदीना तो मस्ट है हमारे छोलों में, पुदीने के बगैर तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता छोले खाने का। और फ्रेश पुदीना है बिल्कुल ये, और जो है ना जनाब आली हमने इसको डाल दिया। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़े से चुकोर कटे हुए आलू। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी सैंडविच की प्रिपरेशन, और इसी तरीके से आप जो है डिनर वगैरह अपना जो है अरेंज कर लें। मैंने काफ़ी सारे डिनर्स अरेंज किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी आगे किसी व्लॉग में कि किस तरह से हम सिर्फ डिनर से भी कर लेते हैं। अभी आगे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी इस वाली इफ्तार पे क्या क्या है। छोले सैंडविच आपके सामने बन रहे हैं, बाकी मिलेंगे आपके साथ फिर डाइनिंग टेबल पे। अभी बनाते हैं शाम, वो जो है ये रेडी हो गई है। डन डन डन, नहीं 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 रेडी नहीं हुई अभी, हम मीठी चटनी तो डालना भूल ही गए जो कितनी मज़ेदार बनी हुई है। अब ये है जी मीठी चटनी, साइड से आप इसको थोड़ा थोड़ा सा डाल दें, और उसके बाद इसको डाइनिंग टेबल पर रखना ना भूलें, ताकि लोग इसे और डाल के जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके गेस्ट आए हैं तो और मज़ा कर सकें इसका एंजॉय। रेडी हो गए छोले, हाँ अब बनाने लगे हम सैंडविच। ब्रेड ले ली मैंने, हमने ली है ब्राउन ब्रेड, आपको जो भी लेनी है आप लें अपनी पसंद से। और लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि रमज़ानों में ज़्यादा बदपरहेजी ना करें, अपने कैलेस्ट्रॉल का, अपनी सेहत का, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखें। रोज़ा रखना है बेशक, अल्लाह ताला के लिए रखना है हमें, और अपनी जो है अल्लाह की खुशनूदी के लिए रखना है, खाना खाने के लिए नहीं रखना है। तो खाने पीने पे जो है फोकस थोड़ा अच्छा वाला होना चाहिए, कम ना हो खाए सारी चीज़ें, लेकिन अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश करें। फ्रूट चाट मैंने बना के रख दी थी फ्रिज में, वो रखी हुई है, वो हम आपको एंड में दिखाएंगे। अच्छा यहाँ ये मैंने ले लिया मायोनीज, और ये है जी शामी कबाब। इसको मैं ऐसे ज़रा सा तोड़ दूँगी जालिमों की तरह, और जो है मैं इसको इस तरह से फैला दूँगी। अच्छा मैं इसमें से थोड़ा सा बचा लूँगी, बस इतना बस है ना भाई, बचत भी तो करनी है। किस किस को पता है कि कितनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, तो उससे ज़्यादा हो गई है। तो ये नेक्स्ट सैंडविच में चला जाएगा, क्योंकि इतना काफ़ी है, इतना भरना ज़रूरी नहीं है इसको। ये हो गया, साथ में हम जल्दी से डाल देते हैं क्विक 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 चटनी। अगर आप नहीं पसंद करते तो मत डालें, साथ में डाल देंगे क्विक 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 सैंडविच में कैचअप। इससे पहले जो मुझे आमना ने बताया कि मैंने जो है किसको पोटैटो कह दिया है, टोमेटो को मैंने पोटैटो कह, नहीं पोटैटो को मैंने टोमेटो कह दिया है, टोमेटो को पोटैटो कह चुकी हूँ मैं तो। जल्दी जल्दी में जो है ये हो जाता है। ये है प्यारे से मेरे अनियन रिंग्स, और ये है जी टोमेटोज, और ये है जी सैंडविच रेडी हो गया है। अब इसको जो है खा लेना है और कुछ भी नहीं करना है, इसको इस साइड से दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग इफ्तारी के लिए माशाल्लाह से बैठ चुके थे, दुआ वगैरह कर रहे थे, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। रोज़े से पहले दुआएं कबूल होती हैं, जो जायज़ दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला हम सब की उनको कबूल फरमाए, हम सब के गुनाहों की जो है मग़फ़रत फरमाए, हम सबको नेक हिदायत और नेक तौफीक पे रखे, ईमान पे रखे, सच्चाई पे रखे। तो चलें आगे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।